देखिए, पहली तो बात तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करना ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। और ये जो तीसरी बार के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो 1962 के बाद फिर से एक बार रिपीट हुआ है, तो अब वो एक्सपीरियंस करना और भी स्टेज में बैठकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मतलब सम्मान की बात है। और मोदी जी के मार्गदर्शन जो है, उनके द्वारा जो विजन और मिशन है उसको ही आगे बढ़ाना है। हम तो मतलब उनके जो बोलते हैं ना, फॉलोअर्स बोलो या जो भी बोलो, वो तो बहुत विजनरी आदमी है, उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता। तो उनका जो है विजन, उसको ही आगे बढ़ाना हमारा काम है। सर, एजुकेशन में जिस हुआ और नॉर्थ ईस्टर्न रेंज तो बहुत मेन माना जाता है प्रधानमंत्री जी के लिए, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है। देखिए, हमारी सरकार के समय में ना नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल एक तवज्जो दी गई, इससे पहले कोई नहीं देता था। इतने मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में गए, शायद इस बार मुझे भी जाना पड़ेगा एज ए यूनियन मिनिस्टर। सो जो जिस तरीके का ध्यान हमारे सरकार की तरफ से नॉर्थ ईस्ट को देना शुरू हुआ, उसके कारण थोड़ा बहुत जो अलग किस्म का एक मनोभाव ये कुछ भी था, जो दूरियां थी, सच में अगर दिल लोगों के बीच जो दूरियां है थी, वो दूरियां मिटने लगी और आगे आते आते ये दूरियां मिट गई है। और इससे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में सरकार बहुत प्रायोरिटी दे रही है, तो इसके कारण नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भी हो रहा है।